पारा शिक्षक संघ के घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत 9वें दिन सोमवार को सांडी स्थित मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी के आवास के समीप धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरना प्रदर्शन में चितरपुर, दुलमी, मांडू, गोला, पतरातू, गोमिया प्रखंड के सैकड़ों पारा शिक्षक शामिल हुए। पारा शिक्षकों का कहना है कि जब तक रघुवर सरकार शिक्षकों की मांगों को पूरा नहीं करेगी, वो गिरफ्तार पारा शिक्षकों की रिहाई नहीं होगी, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इधर पारा शिक्षकों के हड़ताल को समर्थन के लिए कांग्रेस नेत्री सह गोला पार्षद ममता देवी धरना स्थल पहुंची और उसके प्रदर्शन का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों की सभी मांगे जायज हैं, उनकी मांगों को पूरा करे सरकार। उन्होंने कहा कि सरकार पारा शिक्षकों के साथ अपराधी जैसा व्यवहार कर रही है, इसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। कांग्रेस पारा शिक्षकों के साथ है, अब प्रत्येक दिन एक घंटा पारा शिक्षकों के धरने कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मौके पर सुधीर मंगलेश, बजरंग महतो, पवन कुमार महतो आदि मौजूद थे। इस पारा शिक्षक संघ सोमवार रात भी धरने पर बैठे रहेंगे। मौके पर एकीकृत पारा शिक्षक के रामगढ़ जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, चितरपुर प्रखंड अध्यक्ष संजय केवट, गोला प्रखंड अध्यक्ष मेहीलाल हांसदा, दुलमी प्रखंड अध्यक्ष मोहित मुंडा, मांडू प्रखंड अध्यक्ष कमल राज समेत दर्जनों सैकड़ों मौजूद थे। सांडी में माननीय मंत्री सह जल स्वच्छता मंत्री माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी के आवास के समक्ष पूरे 9 दिनों से पारा शिक्षक हमारे यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और अपनी उचित मांगों को लेकर के बैठे हुए, लेकिन अभी तक भी मंत्री जी की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला और न ही आज तक इनकी जो भी मांगे थी, एक स्थायी करना की मांग है और उचित मानदेय जो कि समान काम का समान मानदेय और कुछ भी नहीं है, बस यही सब मांगों को लेकर के ये लोग बैठे हैं। साथ ही जो 280 पारा शिक्षकों को जो सरकार जेल में बंद करने का काम की है, उनको रिहाई की मांग है और मैं चाहती हूँ या सरकार से मांग करती हूँ कि इस पर जल्द से जल्द पहर किया जाए, वरना पारा शिक्षक है कहीं इनका पारा ऊपर न चढ़ जाए तो आपको ये सोचना पड़ सकता है। संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज हम लोग माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी के आवास पर लगातार 9 दिन धरने पर बैठे हैं। हमारा मांग सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि हमारे जो अगुआ साथी जिले दमनकारी नीति के तहत जेल में डाला गया, सबसे पहले उन्हें जेल से रिहा किया जाए, बाइज्जत बरी की जाए, उसके बाद वार्ता होगी और हमारा मांग जो है वेतनमान छत्तीसगढ़ के तर्ज पे जो उनको उचित लगता है उस हिसाब से छत्तीसगढ़ ही उचित है और उनके हिसाब से ये मानदेय लागू किया जाए। आप लोग 9 दिन से यहाँ पे मंत्री जी के आवास पर बैठे हुए, अभी तक मंत्री जी की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब या मिलना है आप लोग से? ये कहने का तो ये विकास के पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, स्वच्छता पेयजल मंत्री भी है, लेकिन इनके द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई जो सहायता है वो मुहैया नहीं कराया गया है और हमारे यहाँ पे अन्य सामाजिक दल के लोग जो समाज सेवी जिनके द्वारा बहुत सारा सहयोग मिला है जो प्रेस मीडिया के साथ आप सुने भी होंगे। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें रामगढ़ और बरकाकाना के लिए 7870893999। दी होप हॉस्पिटल 24 घंटे आधुनिक चिकित्सकीय सुविधा से युक्त अनुभवी और ख्याति प्राप्त चिकित्सकों द्वारा हर प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज। होप अस्पताल में हृदय संबंधित बीमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, शिशु रोग, किडनी रोग, पेडियाट्रिक यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, फिजियोथेरेपी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन व स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेवा प्रदान करते हैं, जिनके द्वारा हर प्रकार की बीमारी का संपूर्ण इलाज अस्पताल के आधुनिक चिकित्सकीय मशीन, सिटी स्कैन, एक्सरे, ओपीजी, इको, टीएमपी, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी, बायोस्कोपी, स्किन ग्राफ्टिंग, डायलिसिस, ICU, NICU, HDU के द्वारा किया जाता है। हमारा पता है दी होप हॉस्पिटल, रांची रोड, रामगढ़। संपर्क करें। कश्मीरी उलन मेला आपके शहर में पहली बार उलन फैशन को लेकर सीधा कश्मीर से चलकर आ गया। कश्मीरी गर्म कपड़ों का विशाल भंडार सिर्फ आधे दामों पर 50% की भारी छूट के साथ हमारे यहाँ फैंसी शॉल, स्टॉल, लेडीज जैकेट, लेडीज कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, जेंट्स जैकेट, उलेन बाबा सूट, कोरियन कंबल, जयपुरी रजाई के साथ साथ उलेन वस्त्रों का विशाल संग्रह, वो भी आकर्षक दामों